कोरोना वायरस इंसानी दिमाग को भी मफलूज करने लगा है। अमरीका, इटली और चीन में मरकजी आसाबी निज़ाम मुतासर होने के केस सामने आने के बाद तिब्बी माहरीन ने हौलनाक इंकशाफ कर दिया। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से दुनिया भर में फैलने वाले कोरोना वायरस की जानलेवा वबा ने इंसानों का दिमाग भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। यह खौफनाक इंकशाफ कोरोना वायरस में मुब्तला अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की उम्र रसीदा खातून के दिमाग का तिब्बी मुआयना करने के बाद हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 70 साल अमरीकी खातून दिमाग मफलूज होने के बायस कुव्वत गोयाई से महरूम हो गई है। एक 50 साल खातून के दिमाग का मुआयना करने से मालूम हुआ है कि खातून के दिमाग के खुलिए वायरस की नायाब पेचीदगियों के बायस चुके हैं। एक 58 साल खातून का टेस्ट करने से मालूम हुआ है कि वायरस ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर किया था। उसके अलावा इटली और चीन में मरकजी एसाबी निजाम भी मुतासर होने के कुछ केसेस सामने आए हैं। तिब्बी माहरीन के मुताबिक दुनिया भर में मुतासर होने वाले 7 लाख मरीजों में मामूली एसाबी पेचीदगियां देखने में आई हैं, लेकिन मुस्तकिल एसाबी पेचीदगियों के आसार जाहिर किए हैं और मुस्तकबिल में ऐसे केसेस बढ़ने का भी खदशा दिखाई देता है, क्योंकि ताहाल इस वायरस के सिर्फ एक पहलू पर ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।